हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एवर ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि भारतिया। लेट अस वी टॉक अबाउट मे 2021 रिलेटेड करंट अफेयर्स। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SI, SSC, रेलवे, CGL, SSCGL, CHSL, RRB एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइज, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। सो गाइज, लेट अस वी टॉक अबाउट 19th of May 2021 रिलेटेड करंट अफेयर्स। आज हम बात करेंगे 19 मई 2021 से संबंधित सारे करंट अफेयर्स के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, लेट अस वी टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस रिलेटेड टू द 19th of May 2021। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन ऑफ टूडेज इज रमेश पोखरियाल निशंक रिसीव्स द इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल। इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल ऑफ दिस ईयर हैज़ बीन कन्फर्ड एंड यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। ही हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमिटमेंट एंड आउटस्टैंडिंग सर्विस टू ह्यूमैनिटी थ्रू हिज राइटिंग सोशल एंड इलस्ट्रेश पब्लिक लाइफ। हमें पता होना चाहिए कि रमेश पोखरियाल निशंक को मिला है अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक और इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। उन्हें उनके लेखन, सामाजिक और शानदार सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक दिया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन ऑफ टूडेज इज इंडियाज तेजस्विनी शंकर विंस कंसेक्यूटिव हाई जंप टाइल्स इन USA। रिप्रेजेंटिंग कांसान स्टेट यूनिवर्सिटी, इंडियाज तेजस्विनी शंकर वॉन बैक टू बैक मेन्स हाई जंप टाइटल्स इन द बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैम्पियनशिप्स इन मैनहट्टन USA। ही इज़ द थर्ड इंडियन टू कम्प्लीट इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव USA सर्किट, द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मैनी US ट्रैक्स एंड फील्ड ओलंपियंस। हमें पता होना चाहिए कि भारत के तेजस्विनी शंकर ने US में जीता है ऊंची कूद का खिताब। कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के तेजस्विनी शंकर ने अमेरिका में मैनहट्टन में बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैम्पियनशिप में एक के बाद एक पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब जीता है। वह अत्यधिक प्रतिस्पर्धा USA सर्किट में प्रतिस्पर्धा करने वाले भारतीय हैं, जो कि तीसरे हैं, जो कई अमेरिकी ट्रैक और फील्ड ओलंपियन के लिए प्रजनन स्थल है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन ऑफ टुडेज इज़ कोबे ब्रायंट इंडक्टेड पोस्ट हमर्सली इनटू बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम। लॉस एंजलस लेकर्स लेजेंड कोबे ब्रायंट हैज़ बीन पोस्ट ह्यूमसली included into the Naismith Memorial Basketball Halls of Fame. He was presented at the ceremony in Connecticut by NBA great Michael Jordan, and his widow Vanessa accepted his induction on his behalf. हमें पता होना चाहिए कि Basketball Hall of Fame में मरणोपरांत शामिल हुए Kobe Bryant। Los Angeles Lakers legend Kobe Bryant को मरणोपरांत नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। उन्हें कनेक्टिंग में NBA के महान माइकल जॉर्डन द्वारा समारोह में प्रस्तुत किया गया था, और उनकी विधवा वेनेसा ने उनकी ओर से उनके हॉल में शामिल होने का स्वीकार किया था। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन ऑफ टूडेज इज़ मणिपुर के मुख्यमंत्री ने सब्जी के लिए मोमा मार्केट का शुभारम्भ किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरन सिंह ने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी और मोमा। सो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि COVID-19 प्रेरित कर्फ्यू के दौरान लोगों के घर पर ताज़ी सब्जियां मिले, राज्य ने बागवानी और मृदा संरक्षण विभाग की एक इकाई मोमा ने COVID-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान दिन प्रतिदिन की खपत
के लिए ताज़ी सब्जियां उपलब्ध कराने और कृषि उपज की संकट बिक्री को कम करने के लिए सीएम की देखरेख में यह ऐप लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट है मोमा ऐप और मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमा। सो नेक्स्ट न्यूज़ हेडलाइन ऑफ टुडेज इज सतोशी उचिदा बने हैं सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए कंपनी हेड। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने सतोशी उचिदा को कंपनी का नया प्रमुख नियुक्त किया है। उन्होंने सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के वैश्विक सुधार के हिस्से के रूप में कोइचारो हियारो की जगह ली है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अप्रैल 2021 में अपना अब तक का सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की है, जिसमें महीने के दौरान 77,849 यूनिट्स की बिक्री हुई है। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन एक जापानी बहुराष्ट्रीय निगम है जो मिनामी को में स्थित है। इम्पॉर्टेंट है हमें याद रखना है सतोशी उचिदा जो कि ये नए कंपनी हेड बने हैं सुजुकी मोटरसाइकिल्स के। सो गाइस लास्ट न्यूज़ हेडलाइन ऑफ टुडेज इज अबाउट द सिक्किम एंड कैपिटल ऑफ स्टेट सिक्किम इज गंगटोक। सो सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंटीग्रिटी एंड अलायंस नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। हॉपर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंटीग्रेटेड एंड अलायंस का विमोचन 16 मई को किया गया है, जिसे सिक्किम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पूर्व राजनायक प्रीति मोहन सिंह मलिक ने अपनी नई किताब में सिक्किम के तत्कालीन साम्राज्य के अनूठे इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय को इस दिलचस्प कहानी के साथ जोड़ा है कि यह भारत का 22वां राज्य कैसे बन गया था। इम्पॉर्टेंट है हमें याद रखना है सिक्किम हिस्ट्री ऑफ इंटीग्रिटी एंड अलायंस। सो गाइज नाउ लेट अस वी टॉक अबाउट 19th of May 2021 रिलेटेड करंट अफेयर्स। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज DCGI ने 2 से 18 सालों के लोगों को किस कोविड वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दी है। DCGI अप्रूव द ट्रायल ऑफ विच कोविड वैक्सीन फॉर 2 to 18 ईयर्स ओल्ड पीपल। सो आंसर इज कोवैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज साल 2022 फीफा विश्व कप में किस देश ने खुद को बाहर किया है। विच कंट्री एक्सक्लूडेड इट्सेल्फ फ्रॉम अ ईयर 2022 फीफा वर्ल्ड कप। सो आंसर इज नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड इज IDRBT ने अगली पीढ़ी के डिजिटल वित्त बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। सो IDRBT क्रिएटेड नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। सो आंसर इज नेशनल डिजिटल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर NDFI राष्ट्रीय डिजिटल वित्तीय अवसंरचना और अवसंरचना NDFI। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज राजेंद्र सिंह जडेजा जी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे। राजेंद्र सिंह जडेजा हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज ही वाज फेमस। सो ही वाज फेमस रेफरी। इम्पॉर्टेंट है हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज किस राज्य में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है। इन विच स्टेट ब्लैक फंगस डिक्लेयर्ड अ नोटिफाइड डिसीज। सो आंसर इज हरियाणा। इम्पॉर्टेंट है हमें याद रखना है एंड कैपिटल ऑफ स्टेट हरियाणा इज चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स इज अकॉर्डिंग टू द न्यू इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हाउ मेनी डेज द सेकेंड डोज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन विल बी गिवन। सो आंसर इज 84 डेज। 84 डे के बाद जो है सेकेंड डोज लगाया जाएगा कोविशील्ड वैक्सीन का। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन इज किस राज्य सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू गिव 10 लाख रुपीज टू ऑर्फन्स ड्यू टू कोरोना। सो आंसर इज आंध्र प्रदेश एंड कैपिटल ऑफ स्टेट आंध्र प्रदेश इज हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट इज के अग्रवाल जी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे। सो के अग्रवाल हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज ही वाज फेमस। सो ही वाज फेमस डॉक्टर। हमें पता होना चाहिए कि के अग्रवाल जो है यह एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे, क्योंकि ये अपने पेशेंट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज भी करते थे। इम्पॉर्टेंट है हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन इज किस देश में भारत के द्वारा निकली फरजाद बी गैस फील्ड समझौता रद्द हुआ है। इन विच कंट्री फरजाद बी गैस फील्ड एग्रीमेंट बाई इंडिया वॉज कैंसल्ड। सो आंसर इज ईरान। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन इज मारुति सुजुकी कंपनी प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सो वो वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ मारुति सुजुकी मोटरसाइकिल कंपनी। सो आंसर इज सतोशी उचिदा।
इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पोर्टेबल इको फ्रेंडली मोबाइल शमशान प्रणाली विकसित की है? विच इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और IIT डेवलप्ड अ पोर्टेबल इको फ्रेंडली मोबाइल क्रीमेशन सिस्टम? सो आंसर इज IIT रोपड। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, IIT रोपड ने जो है पोर्टेबल इको फ्रेंडली मोबाइल शमशान प्रणाली विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज, गूगल क्लाउड ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सो टू होम गूगल क्लाउड एसोसिएट्स फॉर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज? सो आंसर इज SpaceX। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज, किसने 2021 के लिए इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल जीता है? सो हु वन द इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल फॉर 2021? सो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया रमेश पोखरियाल निशंक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज, इटालियन ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? हु वन द वुमन सिंगल्स टाइटल इन इटालियन ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट? सो आंसर इज इगा स्वीटेक। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज, किस गोल्फर ने ब्रिटिश मास्टर्स गोल्ड खिताब जीता है? विच गोल्फर वॉन द ब्रिटिश मास्टर्स गोल्ड टाइटल? सो आंसर इज रिचर्ड ब्लैंड। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, रिचर्ड ब्लैंड ने जो है ये एक गोल्फर है, गोल्फ खेलते हैं, और इन्होंने ब्रिटिश मास्टर्स गोल्ड का टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज, कौन सा खिलाड़ी मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ है? सो विच फेमस प्लेयर वॉज इंक्लूडेड इन द प्रोस्थमस बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम? सो आंसर इज कोबे ब्रायंट। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? सो वट वेन वॉज द इंटरनेशनल म्यूजियम डे वॉज सेलिब्रेटेड? सो आंसर इज 18th of May। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया था। सो वट वॉज द थीम ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे? सो आंसर इज द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड री इमेजिन। हमें पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है 18 मई को मनाया गया, और इसका विषय था द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया? When was International AIDS Vaccine Day was celebrated? So answer is 18th of May. Next question, question number 19 is, किस राज्य ने आभासी स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? So which state announced the establishment of virtual schools? So answer is छत्तीसगढ़, and capital of state छत्तीसगढ़ is रायपुर। Next question, question number 20 is, किसे लंदन ने उप मेयर के पद पर नियुक्त किया है? Who was appointed as the deputy mayor of London? सो आंसर इज राजेश अग्रवाल। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज, उषा इंटरनेशनल के अध्यक्ष कौन थे जिनका 76 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ उषा इंटरनेशनल डाइड एट द एज ऑफ 76? सो आंसर इज सिद्धांत श्रीराम। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, सिद्धार्थ श्रीराम डाइड, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ उषा इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे, किस राज्य सरकार ने सब्जियों के लिए मोमा मार्केट का शुभारंभ किया है? सो विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मोमा मार्केट फॉर वेजिटेबल्स? सो आंसर इज मणिपुर, एंड कैपिटल ऑफ स्टेट मणिपुर इज इम्फाल। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, मोमा ऐप लॉन्च की है, एंड फुल फॉर्म ऑफ मोमा इज मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। सो गाइज, आई होप आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो हमने बारी बारी से डिस्कस कर लिए हैं। सो आप प्लीज़ इन्हें लिखिएगा, पढ़िएगा, याद करिएगा, और घर पर बैठ के तैयारी करिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड स्टे ट्यून्ड विद आर्यावर्त ट्यूटर्स। आई होप गाइज आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक अवेलेबल हो पाए। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अब टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब की लिंक मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड विद आर्यावर्त ट्यूटर्स। Thank you.